आप देख रहे हैं मिशन जीएसटी पर हमारी खास हेल्पलाइन। हमारे साथ जीएसटी एन चेयरमैन नवीन कुमार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, हम बाकी दर्शकों के सवाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले आज सुबह से भी हमने जितने दर्शकों से बात की, अब एक उनका बड़ा ही बेसिक सवाल है, कई जो ट्रेडर्स हैं खासकर छोटे मोटे कारोबारी हैं उनका दो पहलू हैं इस सवाल के। एक, कई लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन उन्हें अभी तक अपना जो नंबर है वो मिला नहीं है, प्रोविजनल आईडी मिला नहीं है। दूसरा, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि 20 लाख से नीचे का टर्नओवर करते हैं लेकिन उन्होंने कर दिया था पहले आईडी जनरेट, अब वो ये जानना चाहते हैं कि कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो पहली बात आपने कही कि लोगों को जो आईडी नहीं मिला, प्रोविजनल आईडी, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो 2015 तक के जितने भी टैक्स पेयर्स थे उनको तो हमने उनकी लिस्ट लेकर के हमने आईडी जनरेट करती थी। अगर उसके बाद के जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, अगर उन्हें आईडी नहीं मिली है, तो उसका तरीका यह है कि उन्हें जो स्टेट का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास जाना होगा और वहाँ रिक्वेस्ट करना होगा कि वो उनका नाम उनके पैन के इंफॉर्मेशन के साथ में हमारे पास भेजें, तो हम उन्हें जनरेट कर देंगे। अगर हमारे पास वो ऑलरेडी आ चुका है तो हमारे पास जो भी पेंडिंग है वो अगले 3 दिनों में हम लोग सारा उसको क्लियर करके स्टेट्स को, टैक्स डिपार्टमेंट को वापस भेज रहे हैं, और अगर नहीं आए, उन्होंने भिजवाया है तो वो भिजवा दें, तो ये हो जाएगा। इस बीच एक फेसबुक पर सवाल आया है हमारे साथ, पंकज अग्रवाल शाहजहांपुर से इनका सवाल है। ये ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट हैं और जीएसटी का इन पर क्या असर होगा, एक तो ये है। दूसरा, कुणाल खत्री जी हैं, इन्होंने एक सवाल भेजा है कि म्यूचुअल फंड्स पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सारे का, इफ़ यू कैन टेक बोथ ऑफ देम। श्योर। तो अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट हैं और आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपका सिर्फ यही बिजनेस है, अगर और कोई बिजनेस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने छूट दी है रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट पे अभी भी रिवर्स चार्ज पे सर्विस टैक्स लगता था। जीएसटी में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट सर्विसेज पे जो कंसाइनर या कंसाइनी हैं, जो भी सर्विसेज उनसे ले रहे हैं, उनको जीएसटी भरना है रिवर्स चार्ज में, तो वो रजिस्ट्रेशन उनको लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सिर्फ यही एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं तो। अच्छा, जीटीए नहीं है कमीशन है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट अरेंज करवा रहे हैं, जैसे आप ट्रक्स अरेंज करवाते हैं कमीशन पे, तो कमीशन पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा और वो 18% की रेट से आपको भरना पड़ेगा कमीशन पे जीएसटी, अगर आप जीटीए नहीं है, अगर आप कमीशन एजेंट हैं। 20 लाख तक की छूट है। और इनका जो ये म्यूचुअल फंड, सो सिक्योरिटीज आर आउट ऑफ जीएसटी, तो शेयर्स वगैरह जो ट्रेडिंग है इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड, उनका जो कमीशन है अगेन उस पे जीएसटी लगेगा, तो उसमें भी कंपोजिशन, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स की छूट नहीं है, अगर 20 लाख से कम दोनों का मिला के उनकी इनकम है तो वो रजिस्ट्रेशन से बच सकते हैं। अगर दोनों इनकम मिला के 20 लाख से ऊपर है पिछले साल का या साल ऑन साल, तो वो उनको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग, हमारे साथ जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उनके चेयरमैन अशोक मीनावाला जी हैं, जो कि नवीन कुमार जी से सवाल पूछना चाहते हैं। मिस्टर मीनावाला, पूछिए, क्या है सवाल आपका नवीन कुमार जी के लिए? अशोक जी, पूछिए अपना सवाल आप। हाँ, मेरा सवाल ये है कि केमन ज्वेलरी इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, नंबर वन। हमारी इंडस्ट्री का जो सर्विस रेट है वो 5% नक्की किया गया है 18 से, और ये एक गुड फेथ में किया है, गवर्नमेंट में गुड इंटेंशन के साथ किया है कि सर्विसेज जो है 5% लगाई जाए। अब जब हमारी इंडस्ट्री में एक सेक्टर है होलसेल का जो बड़ी मात्रा में मौजूद है, होलसेल में एक ऐसा प्रबंध है कि लोग रिटेलर्स जो हैं होलसेलर्स को अपना रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे गोल्ड और गेम्स देते हैं बनवाने के लिए, और ये जो होलसेलर्स है वो इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग जॉब वर्कर से, अपनी तरफ से अपनी स्टाइल के ज्वेलरी सब वो इस जॉब वर्कर से बनवाते हैं और वो सप्लाई करते हैं रिटेलर्स को। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जॉब वर्क गिना जाएगा या प्रिंसिपल और एजेंट का नेक्सस गिना जाएगा, किस तरह से इसको गिना जाएगा, और इस पर टैक्सेशन जॉब वर्क का लगेगा, किस तरह से लगेगा? मल्होत्रा जी, सवाल आपने सुन लिया होगा जी।
प्रिंसिपल एजेंट जो आप आज तक समझते रहे हो कि सब लायबिलिटी प्रिंसिपल की होती है, वो जीएसटी में नहीं है। प्रिंसिपल और एजेंट दोनों डिस्टिंक्ट पर्संस हैं। अगर आप एज ए प्रिंसिपल किसी एजेंट से काम करवाते हो तो एजेंट की जो सर्विसेज हैं, जो उसको कंसिडरेशन मिलेगी उस सर्विसेज की, उस पर जीएसटी लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रिंसिपल और एजेंट, अगर आप एज ए प्रिंसिपल एजेंट को माल देते हो खरीदने के लिए या बेचने के लिए, अगर बेचने के लिए देते हो या एजेंट आपको खरीद के देता है, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन वो बिल पे जाएंगी, टैक्स लग के जाएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन था, प्रिंसिपल एजेंट वाला क्लियर है। और जो वर्क, जो जो वर्क पे आप भेजते हो, जो वर्क में आप सिर्फ डिलीवरी चलान पे भेजोगे, वो 6 महीने के बीच आपको माल वापस आना चाहिए। एक साल का पीरियड है, 1 साल के बीच आपको वापस आना चाहिए, तो उस पर आप टैक्स नहीं चार्ज करोगे। जो जो वर्क चार्जेस का वो बिल आपसे लेगा, उस पर वो जीएसटी चार्ज करके देगा। जो वर्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो आप जो वर्क के प्लेस से डायरेक्टली कस्टमर को भी माल भेज सकते हो, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको माल वापस आपको देना पड़ेगा, या आप उसके प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपनी रजिस्ट्रेशन में ऐड करवाओगे तो वो आपको सुविधा मिलेगी। तो ये जॉब वर्क के केस में एक सेपरेट लॉ बना दिया उन्होंने, सेपरेट प्रोविजंस है उसके लिए। एक और सवाल है, गुरमीत सिंह खुल्लर जी का है, पंजाब से हैं, ये प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फीको के। क्या सवाल है आपका गुरमीत जी नवीन जी के लिए? अभी पंजाब में तकरीबन 23% लोग हैं जो ऐसे जिन्होंने अभी माइग्रेट ही नहीं करवाया, जिनको अभी जीएसटी नंबर ही नहीं मिला। तो सबसे बड़ी ये बात है, मेरा सवाल है कि उनका क्या होगा जिनके पास अभी तक जीएसटी नंबर नहीं है। नवीन जी, आप हालांकि इस पर आपने काफी बार क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन ये जो नंबर्स दिख रहे हैं काफी ज्यादा है, ये एक स्टेट की बात है और 23 लाख लोगों की ये बात कर रहे हैं, तो अगर ये इन सबको अपने वहां के लोकल सेल्स टैक्स पर्सन के पास, क्या कोई वे है कि ये डायरेक्टली पोर्टल पे आकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि ये 30% कैसे बाकी रह गए, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट ने जितने लोगों के की लिस्ट हमें भेजी थी सभी के आईडी जनरेट हुए, और उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने 2016 तक का एक बार में एक बल्क में जनरेट किया था, और उसके बाद के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसके लिए छोटे छोटे लॉट्स में स्टेट से आते रहे हमारे पास, तो उनका हम करके भेजते रहे और जो कुछ हमारे पास पेंडिंग है वो नेक्स्ट 3 डेज में चले जाएंगे। लेकिन 30% लोगों को प्रोविजनल आईडी ना मिले, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। मैं पंजाब के टैक्स डिपार्टमेंट से भी इसके बारे में पता करूँगा, लेकिन इनको चाहिए कि वो पंजाब के टैक्स डिपार्टमेंट से बात करें कि उनका उनकी सूची अगर हमारे पास आएगी तो हमारे यहाँ तो सिस्टम है वो 4-5 दिनों में जनरेट होकर चला जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन वैसे भी नवीन जी, ये जो उस दिन जो मेरी वित्त मंत्री जी से भी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि अब ऑलमोस्ट 80 लाख ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो कि माइग्रेट ऑलरेडी हो चुके हैं, और कुछ 1 लाख ही 15-17 लाख हैं जो कि बाकी हैं। इनका माइग्रेशन कब तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद की जाए? देखिए, ये जो बाकी 15 लाख लोग हैं, 15 तो नहीं, 80 में करीब 67 हो गए, 13 लाख करीब बचे, 13 लाख। और अभी हमने 25 जून से शुरू किया है, फिर से विंडो इनके लिए ओपन किया है, तो उसमें प्रतिदिन हम देख रहे हैं करीब 40,000 से 45,000 लोग अभी भी अपना माइग्रेशन के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि हमने 6.5 महीने तक इसकी फैसिलिटी खुली रखी थी लोगों के लिए, तो उसमें क्यों नहीं लोग ये लोग आए हैं, और अभी हमने 25 से शुरू किया है तो उसमें कुछ आ रहे हैं, लेकिन वो भी उतनी संख्या में नहीं आ रहे जितना कि 13 लाख लोगों के लिए जितना हमारी अपेक्षा थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो या तो इनएक्टिव हैं, या फिर जिनके जो 20 लाख के थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग हैं वैट के या सर्विस टैक्स के करदाता, जिसमें थ्रेशोल्ड आपको मालूम है 5 लाख और 10 लाख था। तो हो सकता है कि इस कारण से वो ना आ रहे हों, लेकिन जो भी माइग्रेट करना चाहते हैं, अभी भी विंडो ओपन है और अगले 3 महीने तक खुला रहेगा, वो आकर के अपना माइग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन माइग्रेशन के लिए उनको टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा।
नहीं लेकिन सॉरी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जिनको प्रोविजनल आईडी ऑलरेडी मिल चुका है वो तो सीधे आ सकते हैं, लेकिन जिनको प्रोविजनल आईडी नहीं मिला है उनको टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। बिल्कुल नवीन कुमार जी, और एक सवाल है और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है बिकॉज इसमें आपके नेटवर्क की बहुत अहम भूमिका है। हमारे एक दर्शक हैं अभिषेक शर्मा, उन्होंने फेसबुक पर ये सवाल अपलोड किया है कि दूसरी पार्टी जिसको इन्होंने माल बेचा है अगर वो बिल अपलोड करने में फेल हो जाते हैं और उसके चलते इनके और इनके जो इन्वॉइसेस हैं वो मैच नहीं होते तो जो सेलर है या फिर अभिषेक शर्मा इन दिस केस उनके पास रास्ता क्या है। और साथ ही मैं नवीन कुमार जी ये भी जानना चाहूँगा बिकॉज कल भी हमने कई कॉर्पोरेट से बात की, उन्होंने यही कहा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैमथ एक्सरसाइज है कि इनवॉइसेस की मैचिंग जो है दोनों तरफ बायर और सेलर के बीच में और उसके जरिए ऑटोमेटिक जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये अपने आप में एक बहुत ही एम्बिशियस लेकिन अगर हो जाए तो बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम साबित हो सकता है। इन दोनों पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो प्रश्न जिन्होंने भेजा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए कि इसमें देखिए सेल्स का डेटा तो उन्हीं को देना है और उसका कंफर्मेशन उनका बायर करेगा, तो इनका प्रश्न क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उनके बायर पर डिपेंड नहीं कर, बायर तो सिर्फ कंफर्म करेगा उसको, सेल्स डेटा इन्हीं को प्रोवाइड करना है। आई थिंक इनका कहने का है ये नवीन जी, एक टेक्निकल क्वेश्चन कि अगर मैंने अपलोड किया और अपलोड नहीं हुआ किसी कारणवश तो क्या विकल्प है? नवीन जी मेरे ख्याल वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर जिनसे मैंने माल खरीदा है अगर उन्होंने अपलोड नहीं किया इनवॉइस और मैंने परचेज दिखा दी है तो मुझे क्रेडिट कैसे मिलेगा? शायद वो सेलर साइड से नहीं, वो परचेजर साइड से पूछना चाह रहे हैं। तो ये तो आप बता दीजिए, ये लॉ का प्रोविजन है कि उन्हें उस समय तो इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा और एक महीने के भीतर उन्होंने कंफर्म करना है जी। सी उस केस में अगर मैंने नहीं कंफर्म हुआ तो फिर वो रिवर्सल होगा। अगर मैंने परचेज शो कर दी और उसकी सामने से सेल इनवॉइस नहीं आई तो मुझे प्रोविजनल क्रेडिट देता है तो उस महीने मुझे वो क्रेडिट अलाउ करता है, डिनाई नहीं करता। अगले महीने का फिर उसको वक्त मिल गया, अब कह जी अगले महीने भी उसकी नहीं होगी तो वो तीसरे महीने जाके रिवर्स करता है, रिवर्स तीसरे महीने में, तीसरे महीने में रिवर्सल है। तो ये मान के चलना भी हर बार फेल होगा ये तो एक नजायज बात है, हर बार थोड़ा फेल होगा। तो ये ऐसा सिस्टम है कि वो उसको पूरा चांस दिया गया कि उसको फाइल करे, अगर उसने फाइल ही नहीं की इसका मतलब टैक्स भी नहीं पे किया, अगर टैक्स ही नहीं पे किया तो आपको क्रेडिट किस चीज का अलाउ करे? और जैसे नवीन जी कह रहे हैं कि आप बार बार ये रिकोर्स नहीं ले पाएंगे कि सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम अपलोड नहीं हो पाया। नवीन जी एक सवाल एक बहुत मैक्रो लेवल का आपसे पूछना चाहता हूं मैं, वो ये है कि पिछले कई दिनों से जब से हमने इस यू नो जीएसटी के इम्पैक्ट के बारे में बात किया है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट काफ़ी लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो ये है कि, और ये एक बहुत ही मैक्रो लेवल की बात है कि क्योंकि अब एक ऑडिट ट्रेल होगी, क्योंकि एक यू नो ये जो जिस तरह से आप कैश का जो एक सिस्टम चलता था, अनऑर्गेनाइज सिस्टम चलता था कि अगर आप जितना भी चाहें आप बिल दिखा देते थे, और ये पूरा जो अब इंटीग्रेट है जो अटैक होगा तो इसका जो ट्रेल है वो तो आपके यहाँ पे रेस्ट करता है लेकिन जो एक्शन होगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज सीबीएसई करेगा। तो जैसे हमने देखा था कि जब हमने पैन की बात की और जिस तरह से एनएसडीएल ने क्रिएट किया था पैन का पूरा डेटाबेस और वो शेयर करते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, आपके पास अब एक ये पूरा डेटा बन जाएगा लेकिन किस तरह से डिपार्टमेंट इस पर डेटा माइनिंग करेगा, किस तरह से ये जो सेगमेंट्स हैं जो शायद अब तक नहीं टैक्स भर रहे थे उनको किस तरह से कैच किया जाएगा, क्या ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा आपका और टैक्स डिपार्टमेंट का? एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिस्टम है इसमें जो टैक्स पेयर से जो भी डेटा हमारे पास आता है वो हम तत्काल टैक्स डिपार्टमेंट्स को भेज देते हैं, यानी कि एक कॉपी जो कंसर्न जो स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास जाती है और एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के पास जाती है। तो ये सारा डेटा जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के पास रहेगा और स्टेट के पास अपने स्टेट का डेटा रहेगा। तो आप ये जो बात कह रहे हैं डेटा माइनिंग और ये सब
ये हमारे एजेंडा में शामिल है, लेकिन वो अभी नहीं, वो तभी हो सकता है जब हमारे पोर्टल पे काफ़ी डेटा आ जाए, जैसे साल भर के बाद में हम ये काम शुरू कर सकते हैं। तो हम बिज़नेस एनालिटिक्स हमारे एजेंडा पर है, वो हम लोग इसमें करेंगे, जिसमें कि हम ये स्टडी कर सकते हैं कि भाई टैक्स पेयर बिहेवियर कैसा है, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में टैक्स का ट्रेंड कैसा है, और फिर दूसरे जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी कोलैबोरेशन करेंगे, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से कोलैबोरेशन हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं क्या उन्होंने इनकम टैक्स पे किया, या जो उन्होंने इनकम टैक्स का डेटा और ये इससे मैच क्या मैच करता है। तो ये सब बातें भी आगे होंगी, ये हमें जो काम दिया गया उसमें ये भी शामिल है। इस बीच अजय सहाय हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम फियो। नवीन जी, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अजय जी पूछिए, क्या सवाल है आपका नवीन कुमार जी के लिए? मेरा सवाल ये है कि तो मैं पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा, जीएसटीएन ने काफी अच्छा वर्क किया है। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जीएसटीएन पोर्टल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है वो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो एक्सपोर्टर इनवॉइस में दे रहे हैं, उस तरह की इन्फॉर्मेशन शिपिंग बिल में भी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी सेम इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे अगर रिक्वायर्ड है तो एक जगह से कैप्चर होकर दूसरी जगह वो अपलोड होनी चाहिए। दैट्स अ फेयर सजेशन। नवीन जी क्या कहना चाहेंगे आप? रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन जो खासकर एक्सपोर्टर्स को, ऐसा है कि देखिए लॉ के हिसाब से रिटर्न इन्हें फाइल करना है जीएसटी के लिए, तो उसमें तो इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी ना, हमें कैसे पता चलेगा इन्होंने इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है कस्टम्स के पास में। होगा ये कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे उसका वैलिडेशन वहाँ से होगा, तो अभी तो व्यवस्था यही है। आगे हम लोग फिर चलकर देखेंगे कि ये जो हमारा लिंकेज है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में, कस्टम्स के साथ में, उसका हम लोग प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं ताकि जो टैक्स पेयर हैं उनको कंप्लायंस का बर्डन कम हो, ये एक फ्यूचर में स्टडी का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो यही व्यवस्था है। जी एक सवाल आ रहा है आयुषी वस्तुपाल का, ये डायरेक्टर हैं अनार इंश्योरेंस ब्रोकर्स की, एक विमेन एंटरप्रेन्योर है। क्या सवाल है आपका आयुषी? तो माय क्वेश्चन इज दैट इफ दे हैव टू रजिस्टर देयर बिजनेस, हाउ बेनिफिशियल इट वुड बी अंडर जीएसटी टू रजिस्टर इट, एंड व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर वुमेन हु रन देयर बिजनेसेस फ्रॉम देयर होम, and what are the consequences they will have to face for GST as the Indian taxation system is quite difficult. आप लेना चाहेंगे? सो एक तो मेरे ख्याल से एक तो जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो अभी तक हम बोलते थे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है टैक्सेशन का, वो गवर्नमेंट ने बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है, 17 मेजर टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया है। जीएसटी में रजिस्टर करने के आपके बेनिफिट्स ये हैं कि जो भी आप अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी खर्चे कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं या दूसरे सर्विसेज खरीद रही हैं, उसका आपको क्रेडिट मिल पाएगा और वो क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं टैक्स पे करने के लिए। और ज़्यादा ज़्यादा बिजनेसेस, बड़ी कंपनियां भी ऐसे एजेंट्स या ऐसे ब्रोकर्स के साथ डील करना चाहेंगे जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उनको भी आगे क्रेडिट मिलेगा। डिसएडवांटेजेस मुझे नहीं लगता कुछ खास हैं। कंप्लायंस एक बार को शायद थोड़ा आपको लगे कि भर रहा है, बट जैसा नवीन जी समझा रहे हैं एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एक बार आपका प्रोसेस सेट हो जाएगा तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, तो फायदे ज़्यादा हैं रजिस्टर करने के मेरे हिसाब से। बिल्कुल। नमन खानदार हमारे साथ हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। नमन, आप नवीन जी से क्या पूछना चाहते हैं? टेक्सटाइल एंड एपरल्स बिजनेस में बहुत ही बड़ी मात्रा में फीमेल और अनपढ़ लोग एम्प्लॉयड है, वो सब लोगों को अंग्रेजी भाषा का इतना परिचय नहीं है, तो मेरा सर आपसे प्रश्न ये है, क्या आप भविष्य में स्थानीय भाषा में भी जीएसटीएन रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था करेंगे?
ओके नवीन जी, और एक सुझाव आपके लिए, आई थिंक काफ़ी सुझाव आ रहे हैं आपके लिए, स्थानीय भाषाओं में रिटर्न अपलोड करने की सुविधा, इज इट इन द पाइपलाइन? एक व्यवस्था जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि जो हमारे स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो फील्ड्स होते हैं उसका हर का एक लेबल होता है, फॉर एग्जांपल नेम लिखा होगा, उसके बाद में एक जगह होगी जहाँ पर के नाम की एंट्री करनी है, तो वो जो लेबल्स हैं वो हम लोकल लैंग्वेज में करने का हमारा प्लान है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन फिल करना है वो तो अंग्रेज़ी में ही है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर से, तो अभी उसमें लोकल लैंग्वेज में करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मल्होत्रा जी, समय कम बचा है नवीन जी के साथ, कोई और एक आध सवाल हो आपका उनके लिए? नवीन जी, अभी ये जो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहे, उनके लिए कोई वाया मीडिया आपने सोचा है? जितने पीरियड तक अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे, उनके लिए कुछ फैसिलिटी कि वो काम अपना कंटिन्यू कर सके? रजिस्ट्रेशन मतलब कि नए रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं? नए रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, या जैसे कोई ओल्ड वाला जिसका आईडी आ गया वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, उसके लिए तो वाया मीडिया दिया, लेकिन जो नया आदमी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पा रहा, 30 दिन का पीरियड है उसको रजिस्ट्रेशन लेने का, अब उसको कोई वाया मीडिया अगर आप दे सके भी वो इस नंबर के अगेंस्ट या इस चीज के अगेंस्ट वो अपना परचेज करता रहे, वो रजिस्टर्ड माना जाएगा, ऐसा कुछ वाया मीडिया अगर आपने कुछ प्लान किया हो? देखिए, ये तो आपको मालूम है, लॉ तो आप जानते हैं, लॉ के हिसाब से ये है कि भाई जिस दिन से लायबिलिटी बनती है उसे 1 महीने के भीतर में रजिस्टर करना है, इस बीच में वो बिजनेस तो कर सकता है लेकिन टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं करेगा, और एक बार जब रजिस्टर हो जाएगा तब फिर वो उस पीरियड का टैक्स इन्वॉइस फिर से इशू कर सकता है, तो जो लॉ है वही रहेगा, उसमें हम लोग तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नवीन जी, एक आखिरी सवाल, क्या अगले 1-3 महीने में आप ज्यादा आउटरीच प्रोग्राम्स करेंगे अलग अलग शहरों में? क्या क्या प्लान है आपका कि किस तरह से ये जो कई बेसिक सवाल आप भी आपने आज भी सुने हैं, काफ़ी एक बेसिक लेवल के सवाल हैं, हालांकि रोज़ हम देख रहे हैं पेपर्स में ऐड आ रहे हैं गवर्नमेंट के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि कई इनमें से जो सवाल हैं तो बहुत ही बेसिक हैं और लोग समझ नहीं पाए हैं इसको, तो क्या प्लान है आपका अगले 2-3 महीने, किस तरह का आउटरीच आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो इशू आते हैं, एक इशू है कानून के बारे में, लॉ के बारे में, लॉ के प्रोविजंस से लोग अवगत नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत है, तो इसके लिए भारत सरकार और सभी राज्य सरकार, इन्होंने काफ़ी वृहद कार्यक्रम चला रखा है और ट्रेड एसोसिएशंस वगैरह के माध्यम से भी इसका काम हो रहा है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है आईटी एस्पेक्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो जीएसटी कॉमन पोर्टल पर करना है वो कैसे करें, तो इसके लिए हमने जो हमारे यूज़र्स हैं उनकी सुविधा के लिए हमने पोर्टल पर ही बहुत ही काफ़ी सामग्री उपलब्ध करा रखी है, जिसमें कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की लिस्ट है, यूज़र गाइड है जो कि लोग डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हमने कंप्यूटर बेस्ड वीडियोज़ भी रखे हैं, उस वीडियो में वो स्क्रीन बाय स्क्रीन स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करें या कैसे रिटर्न फाइल करें वो सारा उसमें उपलब्ध है, तो उसे आप अपने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं, और उसके देख करके उसके हिसाब से बहुत आसानी से जीएसटी पोर्टल पर काम करना सीख सकते हैं। तो मेरा सजेशन होगा कि जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो इन वीडियोज़ का उपयोग करें अपने मेम्बर्स को इनलाइटन करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हमारे आईटी सिस्टम का प्रयोग वो किस प्रकार कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला, यू हैड अ वेरी लॉन्ग डे यस्टरडे इसके बावजूद, और एक नई शुरुआत हुई है, देश ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है जिसमें आपकी बहुत अहम भूमिका रही है, लेकिन आपने जी बिजनेस के सभी दर्शकों के सीधे सवालों के जवाब दिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मल्होत्रा जी, आपने भी वक्त निकाला काफ़ी सारी का, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो फिलहाल ये जो हमारी खास पेशकश थी इसे हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में टैक्स एक्सपर्ट्स को संबोधित करने वाले हैं, और जो सरकार का मेगा आउटरीच प्लान है वो भी आज लॉन्च होने वाला है शाम को, इसकी लगातार कवरेज आप देख सकेंगे सिर्फ जी बिजनेस पर। नमस्कार।